Good morning, kids. Today in English, we are going to read a lesson. Lesson number 9 The Thief. Thief means chore. And the Thoran. Thoran means kanta. The Thief and the Thoran. Okay. So, write today's date on this page. Here are some new words stick. Stick means bata chadi. Pick up. Pick up means pakadna. हर्ट मींस चोट पहुंचाना अवेक मीन्स जागना नाउ लेट अस स्टार्ट टू रीड दिस लेसन लुक लुक मीन्स देखो एट रवि लुक एट रवि मतलब रवि की तरफ देखो रवि इज थर्टी ईयर्स ओल्ड रवि इज थर्टी ईयर्स ओल्ड मतलब कि रवि जो है वो कितने साल का है थर्टी साल का ओके okay? रवि इज अ थिन थिन मीन्स बेटा पतला मैन मैन मीन्स आदमी रवि इज अ थिन मैन रवि पतला आदमी है देखो बेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रवि क्या है बहुत ही पतला है ओके रवि हैज स्टिक स्टिक मीन्स छड़ी रवि हैज ए स्टिक लुक हियर दिस इज ए स्टिक ओके सो रवि हैज ए स्टिक रवि के पास एक छड़ी है द थ्री थॉर्स थॉर मींस होते है बेटा कांटे द स्टिक है थ्री थॉर स्टिक के कितने कांटे लगे हुए हैं थ्री ये देखो बेटा ये रही स्टिक इसके कितने थॉर्स है वन टू थ्री तो स्टिक के ऊपर थ्री थॉर्स है देअर इज अफ थीफ मींस चोर बेटा ये रहा दिस इज एफ ऑन द वॉल वॉल मीन्स दीवार देयर इज ए थीफ ऑन द वॉल वॉल के ऊपर कौन है एक थीफ है ठीक है ये थीफ क्या है ये यहां पर चोरी करने आया है तो ये क्या कर रहा है दीवार के ऊपर से आया है ठीक है आगे देखिए द थीफ पिक्स पिक्स अप मीन्स बेटा पकड़ना द स्टिक द थीफ पिक्स अप द स्टिक अब जो थीफ है वो क्या करता है वो स्टिक को पकड़ लेता है उठा लेता है स्टिक को द थीफ हर्ट्स हर्ट्स मीन्स बेटा चोट लगना द थंब थंब मीन्स अंगूठा ये द थंब बेटा ये होती है सारी फिंगर्स और ये क्या होता है थंब द थीफ हर्ट्स द थंब फिर क्या हुआ थीफ को अपने थंब के ऊपर क्या लग गई चोट लग गई है ना ये देखो उसको चोट लगी और उसमें से ब्लीडिंग भी होने लगी खून निकलने लगा उसके थंब में से क्योंकि उसको कांटा चुप गया है नेक्स्ट देखिए रवि इवेक अवेक मीन्स अवेक जागना नाओ नाओ मीन्स अब रवि इज अवेक नाओ अब रवि क्या है जाग गया है देखो यहाँ पे पहले रवि क्या था रवि सोया हुआ था लेकिन अब रवि क्या हो गया जाग गया है वो नींद से रवि पुल्स पुल मीन्स होते बेटे खींचना द थ्रेड थ्रेड मीन्स धागा रवि पुल्स द थ्रेड फिर अब रवि क्या करता है रवि थ्रेड को पकड़ के खींच लेता है क्योंकि जो स्टिक थी बेटा उसके ऊपर थ्रेड बंधा हुआ था तो रवि ने क्या किया उस थ्रेड को उस धागे को पकड़ के खींच लिया द थीफ फॉल्स डाउन डाउन मीन्स नीचे फॉल्स मींस गिरना द थी फॉल्स डाउन जो थीव था वो नीचे गिर गया ठीक है रवि गेट्स अ थ्रिल थ्रिल मीन्स होता बड़े रोमांचित तो रवि को इसमें मतलब कि उसको इतना ये रोमांचक लगा कि उसको ये करने में बहुत मजा आया ओके नाउ देयर इज द नेक्स्ट पेज ऑल्सो सो वी विल रीड इट्स नेक्स्ट पेज

देखो यहां पर पिक्चर में देखो रवि क्या कर रहा है थर्मोस में से थीफ को वॉटर दे रहा है ओके द थी से मीन्स होता है बेटा क्या है ना द थी मतलब चोर कहता है थैंक यू क्या कहता है फिर चोर उसको थैंक यू अब देखो थीफ ने उसको थैंक यू क्यों कहा क्योंकि रवि ने उसको अपनी थर्मोस में से वॉटर पिलाया सो द थीव सेज थैंक यू तो थीफ ने उसको थैंक यू बोला ओके सो हेयर बेटा अवर लेसन इज कंप्लीट नाउ नेक्स्ट इज डू इट योअर सेल्फ मैच द पिक्चर्स विदर नेम्स देखिये बेटा यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और यहाँ पे पिक्चर्स है आपने इन वर्ड्स को रीड करके इस पिक्चर के साथ मैच करना है देखिये एक बार इसको थर्मोस वेयर इज थर्मोस दिस इज थर्मोस स्टिक स्टिक मीन्स छड़ी या डंडा स्टिक थ्रेड थ्रेड मीन्स धागा सो हेयर इज थ्रेट नेक्स्ट थीफ थी चोर थॉरन थॉरन मीन्स कांटा ओके सो यू विल हैव टू मैच विद दिस वर्ड विद दिस पिक्चर आपने बेटा इन वर्ड्स को इस पिक्चर के साथ आपने क्या करना है इनको मैच करना है एंड यू विल आल्सो डू रीडिंग प्रैक्टिस ऑफ दिस लेसन ओके नाउ बाय